हरियाणा के नूह से शुरू हुई हिंसा के बाद पूरा हरियाणा जल रहा है और हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू की गई थी। इसी बीच कई वीडियो सामने आए जिन वीडियो में भड़काऊ भाषण दिए गए। इन वीडियोस में बिट्टू बजरंगी से लेकर मोनू मानेसर तक के वीडियो शामिल हैं। साथ ही एक मुस्लिम शख्स का वीडियो सामने आया जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की जा रही थी और इस शख्स को हरियाणा के नूह का बताया जा रहा था। दरअसल ये शख्स पाकिस्तान का रहने वाला है और इसने पाकिस्तान में बैठकर हिंसा भड़काने वाली तमाम वीडियोस बनाई हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस बनाकर वायरल करने वाला ये शख्स दरअसल एहसान मेवाती है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। अपने वीडियोस में एहसान ने खुले तौर पर मुसलमानों से मोनू मानेसर को मारने की अपील की, हिंदू विरोधी टिप्पणियां की और धमकियां दी। वहीं हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि एहसान मेवाती ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी लोकेशन अलवर राजस्थान की बताई थी जिससे लोगों को लगे कि वो भारत का रहने वाला है। हालांकि अपनी फेसबुक प्रोफाइल में उसने अपनी लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक तहसील कहरोर पक्का को बताया है। दरअसल इस शख्स की वीडियोस वायरल होने के बाद लगातार हिंसा भड़क रही थी और सवाल भी उठ रहे थे। हाल फिलहाल बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस शख्स को भारत का बताया जा रहा था वो भारत का है ही नहीं, वो पाकिस्तान में बैठकर भारत में हिंसा फैलाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। एहसान मेवाती का कहना है कि उसके पूर्वज दरअसल भारत के ही रहने वाले हैं और भारत के बंटवारे के समय अलवर से उसके पूर्वज पाकिस्तान चले गए थे। हाल फिलहाल वो नफरत का जहर घोलता हुआ नजर आया और कई लोगों ने इस बात का यकीन भी कर लिया कि दरअसल वो नूह का रहने वाला है। अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद यह बात साफ हो गई है कि शख्स दरअसल पाकिस्तान में बैठकर भारत में जहर घोलने की और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है।